तो उसका जो सिलेबस है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारे पास रेशनल नंबर एनसीआरटी बुक का ठीक है एनसीआरटी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारे पास रेशनल 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 नंबर ठीक है रेशनल नंबर हमारे पास क्या है ये हमारे पास उसका फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी बुक एक एट्थ क्लास ठीक है अब देखो रेशनल नंबर के बारे में हम बात करेंगे तो उससे पहले हमारे पास रेशनल नंबर पढ़ाने से पहले आपने देखा होगा जब आपने सिक्स सेवन्थ क्लास में पढ़ा होगा नेचुरल नंबर होल नंबर देन इंटीजर्स ठीक है तो हम रैशनल नंबर को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं होल नंबर क्या होते हैं और टीचर क्या होते हैं और मेरा जो आज का लेक्चर रहेगा वो रहेगा नेचुरल नंबर और होल नंबर पर ठीक है अब देखो नेचुरल नंबर और होल नंबर समझाने से पहले हम आपको समझाएंगे कि नंबर्स आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे और नंबर्स का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है ठीक है ये दो चीज मैं आपको बताऊंगी हमारे ये नेशनल नंबर्स पढ़ने से पहले आपने नंबर्स अपनी लाइफ में सुने होंगे और उसके अलावा इम्पोर्टेंस क्या है अगर मैं बात करूं छोटी क्लास में जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो आपको वहां पे बोला जाता है काउंटिंग सुनाओ वन से लेके टेन तक की काउंटिंग ट्वेंटी तक की काउंटिंग थर्टी तक की काउंटिंग फिर फिफ्टी फिर हंड्रेड तक की काउंटिंग ये चीजें आप बचपन से सीखते हो उसके साथ साथ आपको टेबल टू का टेबल थ्री का टेबल फोर का टेबल फाइव का टेबल ये ये भी आपने बचपन से ही पढ़ ठीक है सीख रहे हो तो उसमें जो आप सीखते हो वो क्या है नंबर्स ठीक है उन्हीं को बोलते हैं नंबर्स ठीक है बात समझ आ गई और पहले जो मैंने अभी आपको बोले ना दो चीजें हम समझेंगे तो पहले का तो आंसर आपको मिल गया कि नंबर्स क्योंकि नंबर्स को क्या आप जानते हो मेन चीज ये था तो आप बचपन से नंबर्स को जानते हो ठीक है बचपन से आप नंबर्स मतलब काउंटिंग की उसमें पढ़ते आए हो और टेबल्स की उसमें ठीक है अब मेन सेकेंड क्वेश्चन क्या था क्या नंबर्स का हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है यस yes. मैं आपसे कहूंगी कि नंबर्स के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है अब आपके माइंड में आएगा मैम क्यों नहीं पॉसिबल तो देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगी इसके बाद आप खुद बैठ के अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करना कि क्या क्या हमारे साइड में हमारे चारों साइड नंबर्स हैं कि नहीं है ठीक है तो उसमें सबसे पहला नंबर आएगा टाइम का दूसरा ह्यूमन बॉडी देन शॉपिंग हम करने जाते हैं वो कुछ और भी मैं इसके अलावा भी एग्जाम्पल्स आपको बताने वाली हूँ तो कुछ आपको दिखाने के लिए कि माइंड में आपके सेट हो जाए पिक्चर्स इसलिए मैं ये पिक्चर्स लेके आई हूँ ठीक है तो नंबर्स के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है उसका पहला रीजन बताऊंगी मैं क्यों नहीं पॉसिबल टाइम आप देखो सुबह से आप उठते हो और रात तक आप कहा�, कहाँ कहाँ टाइमिंग का यूज करते हो सबसे पहले किस टाइम उठना है ठीक है फिर स्कूल बस किस टाइम आएगी उससे पहले आप ब्रेकफास्ट भी करते हो स्कूल टाइमिंग बस आएगी स्कूल में पहुंचने का टाइम फिर लेक्चर्स का टाइम फिर स्कूल में लंच का टाइम ठीक है स्कूल जब फिनिश हो जाएगा लास्ट में उसका टाइमिंग फिर घर पहुंचने का टाइमिंग उसके बाद होमवर्क का टाइम ट्यूशन का टाइम टीवी देखने का टाइम या खेलने का टाइम ठीक है वो सब फिर रात को डिनर करने का टाइम, टाइम। तो बाद शाम तक क्या यूज कर रहे हो टाइम टाइम ठीक है अगर वो टाइम अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें क्या यूज करते हो नंबर्स जैसे कि हमारे पास वॉच चाहे आप वॉल वाली वॉच देख लो या घर अपने हाथ में आप पहनते हो वो वाली वॉच देख लो उसमें जो टाइमिंग होते हैं जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं से लेके पूरा पूरा का पूरा जो है 12 तक है। है? तक तो ये क्या है? नंबर्स कि मेरे को सुबह मॉर्निंग में सेवन ओ क्लॉक जो है मेरी बस आएगी एट ओ क्लॉक मुझे स्कूल में पहुंचना है उसके बाद हमारी क्लासेस शुरू हो जाएगी मैं प्रेयर होने के बाद क्लासेस शुरू होगी फिर हमारा लंच टाइमिंग जो होता है वो ट्वेल्व uh, थर्टी होता है उसके बाद हम शाम को मतलब फोर ओ अपने घर आते हैं ये सब चीजें क्या है ये नंबर्स बात समझ आई तो टाइमिंग आप हर सेकेंड यूज करते हो मैं सेकेंड जो बोल रही हूँ हर सेकंड मतलब वन सेकेंड टू सेकेंड थ्री सेकेंड ये भी क्या है नंबर्स ठीक है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हो गया टाइम उसके बाद ह्यूमन बॉडी मैंने सिर्फ यहाँ पे हैंड्स का लिया है आप ऑब्जर्व करना ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात कूँ कितनी फिंगर्स हैं कितने थाम हैं कितने हैंड्स हैं कितनी लेग्स है कितनी ईयर्स हैं कितनी आइज हैं ह्यूमन बॉडी मतलब बॉन्स की मतलब ये सब चीजें क्या हैं अगर आप काउंटिंग करोगे तो ये इसमें किस चीज़ में काउंट कर पाओगे नंबर्स में किसी को बता पाओगे मेरे फोर फिंगर्स हैं ऐसे फोर ये एक हाथ में फोर फिंगर्स हैं दो थम है हमारे दोनों हाथों में ठीक है एट फिंगर्स है इस तरीके से कैसे बताओगे नंबर्स की हेल्प से तो बता पाओगे देन दूसरी जो चीज मैं बात करूं अगर आप कभी भी हॉस्पिटल जाते हो तो वहां पे जैसे आ, आपके चेकअप होते हैं तो चेकअप जो आपका पूरा टेस्ट हो के जो लिस्ट आती है उसमें जो आपके लिखी होती है कि ये बॉडी में ऐसे है इतना ये इतना, इतना एच बी ये सब चीजें होनी चाहिए वो सब किस चीज में आती है नंबर्स में तो क्या बिना नंबर्स के पॉसिबल है नहीं है ना एंड उसके बाद शॉपिंग शॉपिंग करने जाते हैं चाहे हम अपनी बुक्स से रिलेटेड मतलब हमें इतने पेन लेने हैं इतनी बुक्स लेनी है या हमें इतने बिस्किट लेने हैं ठीक है इतनी टॉफ़ीज लेनी है या हमें और कुछ भी खाने का जो भी सामान लेना है हमें चिप्स के इतने पैकेट लेने हैं कुरकुरे के इतने पैकेट लेने हैं क्योंकि एर्थ क्लास के बच्चों मतलब हम भी जब एर्ट्थ क्लास में थे हम भी खाने के सामान मतलब इसी तरीके से तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ तो ये सब चीजें क्या है किस चीज है नंबर से ही तो कर पा रहे हो फिर जो भी आप खरीदोगे ठीक है क्वांटिटी फूड की अगर बाय भा, चांस आप क्वांटिटी ले रहे हो कि वन के जी इतना मतलब कोई दाल ले रहे हो तो वो वन के जी राइस ले रहे हो तो वन के जी इतना मतलब टू के जी थ्री के जी ये सब क्या है क्वांटिटी मतलब ये जो है नंबर ही तो है और इनकी जब आप पेमेंट करोगे पेमेंट मतलब मनी दोगे उनको वो क्या होगा नंबर्स ठीक है क्या आपने Money, money. मतलब नंबर्स कैसे मनी मनी मतलब टेन रुपीज फाइव रुपीज वन रुपीज हंड्रेड रुपीज फिफ्टी रुपीज वन थाउजेंड रुपीज फाइव हंड्रेड रुपीज ये सब क्या है वन लैक ये सब क्या है नंबर्स ही तो है तो मनी आज के टाइम में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो क्या हम डेली यूज कर रहे हैं ना नंबर क्या मनी के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल पौसिब... पॉसिबल नहीं है ना क्योंकि हर चीज लेने के लिए हमें मनी तो देनी पड़ती है हम कोई सामान खरीद रहे, तब भी हम मनी देते हैं तो वो भी हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट रोल है तो विदाउट नंबर वो भी पॉसिबल नहीं है एंड उसके बाद आपके फैमिली में कितने नंबर हैं आपके गांव में कितने पॉपुलेशन है ठीक है आपकी सिटी में कितनी पॉपुलेशन है आपके कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं नंबर ऑफ़ टीचर्स कितने हैं नंबर ऑफ़ गर्ल्स आपकी क्लास में कितनी है नंबर ऑफ़ बॉयज आपकी क्लास में कितने हैं आपके एरिया में कितने स्कूल हैं कितने कॉलेज हैं ठीक कितने हॉस्पिटल हैं कितनी शॉप्स हैं ये सब चीज़ें क्या है किस चीज़ से बताओगे आप नंबर से तो नंबर जो है चारों साइड से हमें घेरे हुए हैं एंड उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन जो भी आपका हाउस होता है उसको जब कंस्ट्रक्ट कराते हैं तो उसकी जो डायमेंशन होती है वो भी नंबर्स पे डिपेंड करती है क्योंकि इतने स्क्वायर फिट है ये सब चीजें वो नंबर्स के ही बेस पे चलती है ठीक है तो ये तो मैंने कुछ आपको फेमस चीजें बता दी कि ये सारा क्या है नंबर्स के ही ऊपर डिपेंड है तो आप खुद भी बैठ के सोचना कि हमारे सराउंडिंग में नंबर्स कहाँ हैं मैथमेटिक्स का जो यूज है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो नंबर्स करते हैं ठीक है थीके? तो हम चारों साइड से घिरे हुए हैं नंबर से हम एक पल भी ऐसा नहीं है नंबर्स का यूज ना करें हर हर पल मतलब हम नंबर्स का यूज करते हैं तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि क्या हमने नंबर्स पहले पढ़े हैं यस yes, बचपन से काउंटिंग और टेबल्स आपको सिखा दी जाती उसके बाद हमारा नंबर्स का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैंने बता दिया बहुत इंपॉर्टेंस है उसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है ठीक है क्लियर अब स्टार्ट करते हैं हम जो हमने बोला था रेशनल नंबर ठीक है तो हमने इतने सारे नंबर अभी पढ़े तो इतने सारे नंबर को हम क्या करते हैं फैमिली में डिवाइड करते हैं उनमें से एक फैमिली ये रेशनल नंबर है ठीक है तो इससे पहले तीन फैमिली आ चुकी है पहली फैमिली हमारे पास क्या है पहली फैमिली है हमारे पास नेचुरल नंबर नेचुरल फर्स्ट फैमिली से वो है हमारे पास हॉल नंबर जो थर्ड फैमिली है हमारी वो है इंटीजर्स उसके बाद फोर्थ फैमिली आती है रेशनल नंबर बेटा आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा नेचुरल नंबर और होल नंबर की डेफिनेशन पर ठीक है सेकेंड लेक्चर रहेगा एंटीजर्स पर और इनके बीच में हम क्या करेंगे रिलेशन डिफाइन करेंगे देन थर्ड लेक्चर आएगा रेशनल नंबर जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है रेशनल नंबर ठीक है अब देखो यहाँ पे सबसे पहले नेचुरल नंबर पर पहुंचने से पहले हमने क्या किया जितने सारे नंबर्स हैं तो उन सभी नंबर्स को हमने फैमिली में डिवाइड कर दिया तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने फैमिली में क्यों डिवाइड किया फैमिली में इसलिए डिवाइड किया कि हमारे लिए आसान हो जाए क्योंकि हम कहीं पर भी अगर कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं और उसमें हमारे पास जैसे कि हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को क्या है 1 2 3 4 5 6 ठीक है जितने काउंटिंग नंबर हैं, जो भी इस टाइप के हैं वो उस प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं Satisfye कर रहे हैं। बात है बेटा। तो अगर मैं वहां पे, जैसे अपने सिंपलेस्ट वे के मतलब अपनी आसान मतलब आसानी के लिए हमने ये चीज यूज किया है तो यहाँ पे क्या है मेरे को वो सारे नंबर लिखने हैं जो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हो तो मैंने लिखना शुरू किया क्या मेरी इतनी औकात है कि मैं वो सारे नंबर लिख दू ये तो बहुत सारे नंबर है तो हमने क्या किया कि इस टाइप के जो उनको हमने कुछ नाम दे दिया। फिर नंबर होंगे उनको हमने कुछ और नाम दे दिया कहने का मतलब क्या है कि कोई भी प्रॉपर्टी हमारे पास है अगर उस प्रॉपर्टी कुछ नंबर्स क्या कर रहे हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं और हमसे बोल दिया जाए कि इन नंबर्स को आप लिख दो तो इतने सारे नंबर्स को लिखना क्या हमारे लिए पॉसिबल है नो no. तो हमने क्या किया उन नंबर्स को हमने एक फैमिली में रख दिया कि ये फैमिली जो है इस नंबर्स की है तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कोई भी प्रॉपर्टी है वो नेचुरल नंबर करें तो मैं सिंपल सा वहाँ पे नेचुरल नंबर लिख दूंगी इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर वो सारे के सारे आ आगे तो अपने सिंपल वे मतलब आसानी के लिए हमने क्या क्या इनको फैमिली में डिवाइड कर दिया जैसे कि मैं आपको रियल लाइफ में बताना चाहती हूँ जैसे हमारा देश है ठीक है तो हमारी कंट्री अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री कितनी बड़ी है ठीक है उसमें हमें क्या क्या अपनी आसानी के लिए कि हम बता पाए तो हमने उसको स्टेट में फिर डिस्ट्रिक्ट में फिर विलेजेस में फिर हाउसेस में ऐसे डिवाइड किया हुआ है अगर कोई स्टेट ना हो बात समझो कोई स्टेट ना हो कोई डिस्ट्रिक्ट ना हो कोई विलेज ना हो कोई हाउसेस ना हो सब ऐसे ही रहते हो क्या के लिए आसान होगा किसी को बताने के लिए कि वो वहां रहता है देखो ना तो मैंने बोला कोई स्टेट ही ना हो जैसे कि अब कोई स्टेट नहीं है कोई डिस्ट्रिक्ट आप ही मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है ठीक है कोई विलेज नहीं है कोई हाउस नहीं है अब मैं कहीं पे खड़ी हूँ हाँ, आप कहां पे खड़े हो क्या मैं उसे बता पाऊंगी मैं सिर्फ इतना बता पाऊंगी कि हाँ मैं मेरे सामने मतलब यहाँ पे तीन कार खड़ी है यहाँ पे एक बोर्ड सा वैसे दुकाने हैं और इस तरीके से मतलब कुछ सिंबल्स में बता पाऊंगी अपने सराउंडिंग की ठीक है तो मैं कंफर्म ये जगह नहीं बता पाऊंगी कि मैं उस जगह खड़ी हूँ अब इसी को आप अपोजिट मान लो कि आपका स्टेट भी है डिस्ट्रिक्ट भी है और विलेजेस भी है और हाउस भी है और आप कहीं फरीदाबाद में खड़े हो मैंने मान लो मैं फरीदाबाद में खड़ी हूँ ठीक है मेरे पास फोन आया तो मैं फोन पे क्या कहूंगी हाँ मैं फरीदाबाद में ना उस जगह उस पोजीशन पे मतलब वहां पे खड़ा हूँ मेरे पास ये दुकान है उस दुकान पे ये चीज लिखी हुई है तो वो क्या हो गया एक सिंपल वे हो गया ना ठीक है अपनी आसानी के लिए वो चीज हमने करी अगर ये चीज ना होती ठीक है देश में कोई हमारे पास ना तो राज्य होता ना हमारा कोई जिला होता ना कोई गांव होता ना हमारा कोई घर होता तो कितना मतलब कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होती किसी को ये बताने के लिए कि हम कहाँ पर हैं तो वही चीज है बेटा कि नंबर्स इतने सारे हैं और हमारे पास बहुत सारे नंबर सेम प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई कर रहे हैं तो उन नंबर्स को लिखना हमारी औकात से बाहर है हम उनको लिख ही नहीं पाएंगे पॉसिबल ही नहीं है तो हमने क्या किया उस टाइप के सभी नंबर्स को एक फैमिली में रख दिया फिर इसी तरीके से जैसे-जैसे नंबर हैं उनको उनकी फैमिली में हम रखते चले गए अपनी आसानी के लिए और जो प्रॉपर्टी को जो नंबर सैटिस्फाई कर रहा उस फैमिली को हमने उठा के रख दिया तो अपनी आसानी के लिए हमने इनको फैमिली में डिवाइड किया अब चलते हैं अपनी फैमिली का पहला नंबर पढ़ने के लिए पहला जो नंबर है हमारा हमारी फैमिली का वन मिनट वो है नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर की जो डेफिनेशन है मैथमेटिक्स के हिसाब से वो है ऑल काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर्स ठीक है जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं अब मेरे बेटा आपने बचपन से काउंटिंग सीखी है जैसे आपको बोल दिया था वन से लेकर टेन तक की काउंटिंग सुनाओ वन से ले ट्वेंटी तक की काउंटिंग वन से लेके फिफ्टी तक हंड्रेड तक ये काउंटिंग ही तो होती है तो वो बोल रहे हैं कि जितनी भी काउंटिंग है ना जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं अब आपको तो बेटा ये चीज पता है काउंटिंग क्या होती है काउंटिंग क्या होती है हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन उसके बाद इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन इस तरीके से चलती चली जाएगी ठीक है अब एक बात मेरे को आप बताओ इसमें मैंने यहाँ पे देखो आगे चलने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे तीन डॉट लगा देंगे इसका मतलब है सोन ठीक है अब मेरे को ये बता बात बताओ बहुत सारे बच्चों से हम पूछते हैं क्या मेरे पास टू पॉइंट फाइव मेरे पास काउंटिंग नंबर है या नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताना मेरे हिसाब से टू पॉइंट फाइव क्या है काउंटिंग नंबर नहीं है पर बच्चे क्या कहते हैं यस yes. कुछ बच्चे बोल देते हैं यस ठीक है yes. तो ये चीज आपको ध्यान रखना दिस इज नॉट ए काउंटिंग नंबर क्योंकि आपको बचपन से सिखाई जाती है काउंटिंग काउंटिंग पूरा का पूरा नंबर होता है पॉइंट्स में यहाँ पे कुछ भी नहीं होता ठीक है इसके आगे कुछ भी नहीं लगा होता पूरा का पूरा नंबर होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स से सेवन एट नाइन टेन मतलब पूरा का पूरा नंबर चाहे आपके पास ये आ जाए आपसे पूछेंगे क्या ये काउंटिंग नंबर है यस क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लगा जैसे ही इसके आगे कुछ लगा देंगे ना कुछ भी हो पॉइंट लगा के अगर कुछ लगा दिया ना तो वो हमारे पास नहीं बनेगी काउंटिंग क्योंकि हमें पता है काउंटिंग में पूरा का पूरा आता है उसके आगे पीछे कुछ नहीं लगा होता वो पूरा का पूरा होता है ठीक है तो आज के बाद ये चीज आप ध्यान रखना कि काउंटिंग नंबर पूरे के पूरे होते हैं उनके आगे कुछ भी पॉइंट में नहीं लगा होता अगर पॉइंट में लग गया तो वो काउंटिंग नंबर नहीं बनेगा और जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं हमारे पास उन्हीं को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर अब इतना तो बेटा आप सीख गए ठीक है क्योंकि आपसे अगर कोई क्योंकि मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा ये बताओ कि 1.5 या 3.5 या 55.6 क्या ये नेचुरल नंबर है तो बच्चा कहता है यस मैम दिस इज अ नेचुरल नंबर तो वो नेचुरल नंबर के डेफिनेशन ही नहीं समझ पाए ठीक है अभी मैंने क्या बोला कि नेचुरल नंबर जो है हम उन नंबर्स को बोलते हैं जो काउंटिंग क्या होती है काउंटिंग में पॉइंट्स में कुछ होता ही नहीं वो पूरा का पूरा होता है यहाँ पे जैसे ही ये लगा ना तो ये काउंटिंग नंबर नहीं है तो ये नेचुरल नंबर भी नहीं है तो इतना आपको ध्यान रखना है अब मेन बात आती है हमने ये सीख ली क्योंकि काउंटिंग से ही आप ना बचपन में चले जाना कि बचपन में आपने जब काउंटिंग सीखी है तो पूरे के पूरे नंबर होते थे पॉइंट में तो आपने कभी सीखी ही नहीं ठीक है एंड अब बात आती है बेटा कि हमने इन काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर क्यों कहा क्या रीजन था बात समझ आई या आपको इस माइंड में कैसे सेट करना है कि हमें नेचुरल नंबर बोलते ही हमारे माइंड में ये चीज आ जाए कि ये नंबर्स क्या है नेचुरल नंबर होते हैं तो देखो इसका एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए हम चलेंगे अपनी प्रकृति मतलब तो थोड़ा सा प्रकृति की नेचर की साइड साइड नेचर अब देखो नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर को ही याद करते आपको ध्यान आ रहा होगा नेचर ठीक है अपनी नेचर जो हमें नेचर देती है अगर मैं नेचर की बात करूं सिंपल सी चीज है हमें जो नेचर देती है आप बताओ क्या नेचर का दिया हुआ कुछ भी जो हमें देते हैं वो कंप्लीट होता है कि अधूरा होता है नेचर हमें जो भी देती है बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल कंप्लीट देती है उसमें कुछ भी अधूरा नहीं होता है वो कंप्लीट होता है अब आप पूछोगे मैम कैसे आप ऑब्जर्व कर लेना अपनी लाइफ में देख लेना मैं तो सिर्फ यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगी कि कैसे सबसे पहले हम आते हैं फैमिली या हम ह्यूमन अब हम ह्यूमन जो है वो किसकी है नेचर की नेचर से ही तो है हम अगर हम नेचर से हैं और कोई भी छोटा बच्चा जिसको काउंटिंग आती हो मैं उसको बोलूं बेटा ये बताओ ये एक फैमिली है इस फैमिली में कितने मेंबर हैं तो बच्चा काउंट करना शुरू करेगा वन टू थ्री फोर कि मैम यहाँ तो फोर मेंबर हैं ठीक है ठीके? फिर मैं बच्चे से कहूंगी बेटा तूने इतना बता दिया तो थोड़ा सा और बताओ इस फैमिली में कितने मेंबर हैं तो वो बताएगा मैम इसमें भी है चलो तो बेटा आपने इतना बता दिया तो नीचे वाली जो फैमिली है इसमें और बता दो तो बच्चा काउंट करना शुरू करेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन मैम इसमें तो टेन मेंबर है क्लियर बात समझ आ गई बच्चे ने काउंट करके बता दिया ठीक है अब देखो ये जो हम हैं वो हम नेचर से हैं ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या है अगर हम बात करें बच्चे ने क्या ये चीज सोची कि फैमिली में जो मेंबर होते हैं ये बड़ा मेंबर है ये इससे मतलब थोड़ा सा छोटा ये बिल्कुल छोटा ये मतलब छोटे हैं तो मैं इसको वन इसको टू दे दू इसको वन दे दू और इसको कुछ हाफ दे दू इसको इससे भी कुछ छोटा दे दू क्या बच्चे के माइंड में ये चीज आई नहीं आई ना देखो यहाँ पे बच्चे ने सोचा ये सबसे लंबा है तो इसको मैं टू दे देती हूँ इसको हाँ, इसको और कम दे देते हैं ठीक है वन बाय फोर इस तरीके इससे भी छोटा कर देते हैं क्या उसके मन में ये बात आई नहीं आई ना सिमिलरली यहाँ पे जब बच्चे को बोला गया कि बेटा काउंट करो तो उसने शेप मतलब आप देखोगे आपकी फैमिली या किसी के भी फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं कोई लंबा होता है कोई छोटा होता है कोई मोटा होता है हो, कोई पतला होता है कोई छोटा सा बच्चा होता है ठीक है बट हम उनकी पर, मतलब फिगर या शरीर को देख के कभी भी हम ये नहीं सोचते कि इसको थोड़ा सा कम दे दें इसको काउंटिंग में थोड़ा सा कम दे दें नहीं जब हम काउंट करने बैठते हैं तो छोटे से एक को भी हम वन काउंट करते हैं चाहे वो एक सेकंड का बोन क्यों ना हो बच्चा ठीक है एक सेकेंड पहले उसने जन्म क्यों ना लिया हो फिर भी हम उसको वन ही काउंट करेंगे क्योंकि वो हमें नेचर से मिला है नेचर जो देती है वो अपने आप अप में कंप्लीट होता है उसको हम हाफ या पोर्शन में डिवाइड नहीं कर सकते जैसे कि आपकी फैमिली है थ्री मेंबर्स की फैमिली है आपके यहाँ पे एक बच्चे ने जन्म लिया तो आप क्या खुश हो क्या कहते हो कि हमारी फैमिली में एक मेंबर और बढ़ गया, खुशी की बात हुई है ना तो एक फैमिली में एक मेंबर और आ गया तो उसको आपने छोटे से बच्चे को भी एक ही माना ऐसा तो नहीं कि अभी हुआ है तो उसको थोड़ा सा पॉइंट्स में मान ले नहीं ना तो यही रीजन है कि नेचर जो हमें देती है वो हमें कंप्लीट देती है तो हम उसमें मोटा पतला छोटा कुछ नहीं देखते हैं जैसा भी है वन ही है हम जब काउंटिंग करने बैठेंगे तो वन ही काउंट करेंगे मोटा पतला छोटा कुछ नहीं देखेंगे बात समझ आ गई एक एग्जाम्पल था ये नेक्स्ट नेचर ही आ गई ठीक है आप कहीं पे पार्क में वॉक करने जा रहे हो या किसी रोड पे वॉक कर रहे हो ठीक है तो वहां पे ट्रीज ऑलरेडी होते हैं पार्क में ठीक है तो आपने देखा होगा पार्क में जो ट्रीज होते हैं या आप अपने सराउंडिंग कहीं भी देखना तो वहां पे क्या होता है कुछ बड़े ट्रीज होते हैं कुछ उससे छोटे कुछ उससे छोटे कुछ उससे छोटे इसी तरीके से होते हैं ना है ना तो ट्रीज जब हम जिस बच्चे को काउंटिंग आती होगी उसको बोलेंगे बेटा इन ट्रीज को काउंट करके बताओ इस रो में कितने ट्रीज हैं तो वो कैसे करेगा वन टू थ्री फोर कि मैम यहाँ तो फोर ट्रीज हैं और भी हो सकते हैं टेन हो सकते हैं ट्वेंटी हो सकते हैं ठीक है थीके? तो क्या उस बच्चे ने काउंटिंग करने से पहले ये चीज सोची कि ये बड़ा है तो इसको कुछ और बड़ा नंबर दू ये उससे छोटा है तो इसको कुछ और छोटा इससे कुछ और छोटा उससे कुछ और छोटा उसने नहीं सोचा क्योंकि ये कहाँ से मिला हमें नेचर से तो नेचर से जो भी चीज हमें मिलती है वो क्या होता है अपने आप में परफेक्ट और कंप्लीट होता है तो मतलब काउंटिंग नंबर हमारे पास जो है वो क्या होते हैं अपने आप में जब हम काउंट करना शुरू करते हैं जब हम काउंट करना क्या शुरू करते हैं तो वो ये मैंने आपको ना समझाने के लिए बोला कि आपके माइंड में कैसे बैठे जब हम काउंट करना शुरू करते हैं तो हम उसमें छोटा मोटा पतला कुछ नहीं देखते हम हर उसको एक ही नंबर देते काउंटिंग में ठीक है तो नेचर भी जो हमें देती है वो अपने आप में क्या देती है पूरा का पूरा और ये नंबर्स भी अपने आप में क्या है पूरे के पूरे तो इसीलिए काउंटिंग नंबर को हमने क्या बोल दिया नेचुरल नंबर नेचर से जो मिलता है वो भी तो पूरा का पूरा है मिलता है क्योंकि नेचर से दी हुई चीजें हम जब काउंट करना शुरू करते हैं तो वैसी काउंटिंग करते हैं तो ये भी मेरे पास पूरा अपने आप में पूरे के पूरे होते तो दिस इज अ नेचुरल नंबर ठीक है एक रीजन तो ये हो गया एंड उसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगी माइंड में कैसे सेट रखना है देखो जब भी आपसे कोई पूछे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं तो आप जाओगे नेचुरल नंबर मतलब नेचर नेचर क्या देती है कंप्लीट हर चीज कंप्लीट होती है मैथमेटिक्स में क्या कंप्लीट होता है काउंटिंग पूरा का पूरा क्या होता है काउंटिंग तो ये काउंटिंग नंबर तो आप बोलोगे ऑल काउंटिंग नंबर आर नोन एज ए नेचुरल नंबर और क्या आपसे कोई पूछेगा क्या टू पॉइंट फाइव मेरे पास नेचुरल नंबर है आप कहोगे नेचुरल नेचर कंप्लीट ये तो कंप्लीट है ही नहीं पूरा पूरा का तो है ही नहीं है मतलब काउंटिंग नंबर ही नहीं है तो काउंटिंग नंबर नहीं है तो दिस नेचुरल नंबर तो आई होप नेचुरल नंबर के आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी अब हम बात करेंगे मैंने थोड़ा सा नेचर से इसलिए आपको मतलब इसको मतलब जोड़ा है जिससे आपको ये चीज समझ आ जाए कि नेचुरल मतलब नेचर नेचर जो होती है वो कंप्लीट होती है और कंप्लीट क्या होती है काउंटिंग नंबर्स तो काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं तो कहीं पे भी पूरे के पूरे नंबर होंगे तो उनको नेचुरल नंबर कहेंगे कुछ पॉइंट्स वगैरह वगैरह लग गया तो वो हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं होंगे अब आते हैं होल नंबर होल नंबर जो बनेगा वो विद द हेल्प ऑफ नेचुरल नंबर बनेगा अब इसमें क्या है नेचुरल ऑल नेचुरल नंबर जितने भी नेचुरल नंबर्स है ना उनके साथ मैं क्या कर दू तो जीरो नेचुरल नंबर के साथ मैं जीरो को ऑन ले आऊं तो जो कलेक्शन मेरे पास नंबर का बनेगा उनको बोलेंगे होल नंबर्स अब देखो ये सारे क्या थे मेरे पास नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर के साथ अगर मैं जीरो ले आऊं तो वो बन जाएंगे मेरे पास होल नंबर अब देखो इसको माइंड में कैसे याद रखना है एक मिनट इसको माइंड में कैसे याद रखना है अब तक हम नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है नेचुरल नंबर को हमने ध्यान किया हुआ नेचुरल नंबर नेचर नेचर जो देती है वो कंप्लीट होता है कंप्लीट मतलब काउंटिंग काउंटिंग ओल काउंटिंग नंबर आर नोन एज ए नेचुरल नंबर ठीक है इतना अब नेचर हमारे पास अब मैं देखो होल नंबर को किस तरीके से दिखा रही हूँ नेचर नेचर हमारे पास है मतलब नेचुरल नंबर नेचर की हमने बात कर ली अब नेचर कहाँ पर है किस पर है अर्थ और अर्थ हमारे पास क्या होती है मतलब उसकी शेप तो दूसरी होती है मतलब इस तरीके की दिखती है तो इसके साथ नेचर के साथ अर्थ ठीक है तो आपको मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है उनके साथ जीरो और ले आओ तो दिस इज द होल होल का मतलब होता है हमारे पास संपूर्ण अगर हिंदी में हम बात बोले पूर्ण मतलब जो पूरा हो गया मैं नेचर के साथ किस पे अर्थ पे तो वो पूर्ण हो गया तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो कि नेचर कहाँ पे अर्थ पे मतलब नेचुरल नंबर के साथ अगर मैं जीरो ले आऊं तो वो मेरे पास होल नंबर हो जाएगा दूसरी चीज अगर मैथमेटिकली मैं आपको बताना चाहूं हमारे पास अब तक कितने नंबर थे वन टू थ्री फोर सॉरी थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है ये नंबर हो गए अब देखो ये क्या है मेरे पास नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर ठीक है अब क्या करना है यहाँ पे अगर मैं जीरो ऐड कर दूं तो ये मेरे पास पूर्ण हो जाते हैं मतलब पूरे के पूरे हो जाते हैं मतलब होल होल इसलिए इनको बोला कि इसके आने से पूरे हो जाते हैं क्यों क्योंकि ये जो नंबर्स अब हाँ पे लिखे हुए हैं आपके सामने इन नंबर्स की हेल्प से हम दुनिया का कितने से भी कितना बड़ा नंबर बना देते आप दुनिया का कोई भी नंबर उठा के ले आओ उस नंबर में यही नंबर्स आपको दिखाई देंगे जैसे कि मैं ले आई पॉइंट में ले आओ कुछ भी ठीक है तो देखो में है वन टू नाइन सिक्स सेवन एट अब फाइव सिक्स तो दुनिया का कोई भी नंबर ले लो आप एनी कोई भी नंबर हर नंबर इन्हीं की हेल्प से बनता है यहां से ले तो अब तक हमारे पास सिर्फ इतने नंबर नंबर हमने पढ़े में और इस जीरो के आते ही ये नंबर क्या हो पूर्ण हो गए मतलब जो हमारे नंबर्स की लिस्ट है वो पूर्ण हो गई अब इसकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं दुनिया का कोई भी नंबर ठीक है तो इस वजह से भी इनको बोलते हैं होल नंबर ठीक है दोनों रीजन मैंने आपको बता दिए तो अब आपको माइंड में कैसे सेट रखना है वो चीज ध्यान रखना है नेचुरल नंबर मतलब नेचर नेचर देती है कंप्लीट कंप्लीट क्या होता है काउंटिंग नंबर नंबर मतलब पूरा का, पूरा का जो होगा वही हमारे पास नेचुरल नंबर होगा चाहे वो कुछ भी हो वन टू से स्टार्ट होते हैं क्योंकि काउंटिंग काउंटिंग शुरू वन टू से ही होती है ठीक है एंड होल नंबर की अगर बात करें होल नंबर मतलब नेचर किस पर अर्थ तो मतलब जीरो के साथ अगर नेचुरल नंबर ले आए तो वो हमारे पास हो जाएंगे होल नंबर तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा कि नंबर्स हमने क्या पहले पढ़े हम जानते हैं नंबर्स का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है ठीक है नंबर्स को हमने फैमिली में क्यों डिवाइड किया थर्ड क्वेश्चन और हमारे पास नेचुरल नंबर मतलब नेचर नेचर मतलब कंप्लीट कंप्लीट मतलब ओल काउंटिंग नंबर्स ठीक है तो दिस इज नेचुरल नंबर और होल नंबर होल नंबर मतलब पूर्ण मतलब पूरे के पूरे मतलब होल नेचर तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना नेचर अर्थ अर्थ मतलब नेचुरल नंबर के साथ जीरो को ले आओ तो वो पूर्ण हो गए मतलब होल नंबर ठीक है तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है तो आज का ये जो पूरा लेक्चर था इसमें हमने कुछ मतलब नंबर सिस्टम की होल नंबर तक आपको अच्छे से समझाया रियल लाइफ से कनेक्ट किया और हर चीज का रीजन बताने की कोशिश करी कि, कि किस तरीके से आपको माइंड में सेट रखना है और कैसे इनको डिफाइन करना है किस तरीके से रखना है बस आपको इतना ध्यान रखना नेचर मतलब कंप्लीट कंप्लीट मतलब होल्ड काउंटिंग नंबर मुझे पूरे के पूरे होंगे पूरे के पूरे मैथ में काउंटिंग नंबर ठीक है उसके बाद होल नंबर मतलब नेचर किस पे अर्थ पे तो नेचर नेचुरल नंबर के साथ जीरो ले आओ तो वो होल इस तरीके से माइंड में सेट रखना है ठीक है मैथमेटिकल लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि ये जो नंबर्स थे मेरे पास वन से लेके नाइन तक ये नंबर थे नेचुरल नंबर ठीक है इनमें अगर मैं जीरो और ऐड कर दूं तो मेरे पास दुनिया का कोई सा भी नंबर अब मैं बना सकती हूँ तो इसके आने से पूर्ण हो गया वो भी एक अलग रीजन है ठीक है तो आपको जो भी रीज़न अच्छे से समझ आया हो अच्छी बात है अगर कुछ आपको डाउट रहता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको हमारे वीडियोस हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों अपने फ्रेंड्स और जो भी आपकी क्लास में हो उन तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुँचाएं हमारा चैनल शेयर करें थैंक यू सो मच